हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी, जो बनाने में बेहद ही आसान और सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार हो जाती है। और इसमें हम भिंडी भी बिल्कुल कम ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा भिंडी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और उसको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से सुखा लिया है। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले भिंडी के दोनों एजेस को काट लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अगर आपकी भिंडी का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप उसको दो पार्ट्स में काट सकते हैं। अगर छोटी भिंडी है तो इस तरह से आप सारी भिंडी काट के तैयार कर सकते हैं, ये देखिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला हुआ है। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। और भिंडी में फ्रेंड्स, मैंने काटने के बाद इसमें हल्का सा नमक और हल्दी लगा दिया था और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया था, ये देखिए। इस तरह से हम इन सब भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी फ्रेंड्स, देखिए आपको दिख रही होगी, कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है, ये देखिए। अब हम इसको इस स्टेज पे निकाल लेंगे। इस तरह से सारी भिंडी मैंने फ्राई करके तैयार कर ली है। फिर उसी ऑयल में मैंने 1 टेबल स्पून जीरा डाला है और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे, उसको भी बारीक पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। फिर इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसको भी मैंने ज़्यादा नहीं, इसको भी दरदरा ही पीसा है। इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम सॉटे कर लेंगे। फिर मैंने एक टमाटर लिया था, उसकी मैंने प्योरी बना ली थी, उसको भी हम ऐड कर देंगे। फिर 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी को ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही मिर्च को ऐड करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, तो आप नमक ध्यान से ही डालें, ये देखिए। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना मसाला आपका अच्छी तरह से भुना होगा, आपकी भिंडी जो है वो उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने दही लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट के बना लिया था उसको। फिर हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये देखिए। अब दही हमारा अच्छी तरह से इसमें पक चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है सरफेस पे, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ये देखिए। आप इस टाइम पे अपनी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली भिंडी बनानी है। अब इसको हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड देखिए, 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया। और जो मैंने पानी भी डाला था वो ज़्यादा इसमें नहीं दिख रहा है अब आपको। जैसा हमें मसाला चाहिए था वैसा हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम फ्राई की हुई भिंडी को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, भिंडी बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। देखिए, इस टाइम पे जब मैंने इसको मिक्स कर लिया, फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक के पका लूँगी, ये देखिए। अब ऑयल ऊपर आ चुका है फ्रेंड्स, तो हमारी भिंडी बनके रेडी है। आप इसे चपाती परांठे के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।